की जमीन पर अवैध रूप से बिल्डिंग तान कर रेस्टोरेंट व कई तरह की गतिविधियां संचालित करने वाले एक भूमाफिया के बहुमंजिला अवैध निर्माण पर शुक्रवार को नगर निगम अमले का बुलडोजर चला। निगम अधिकारी के मुताबिक भूमाफिया मनोज शुक्ला के अवैध इमारत को ध्वस्त किया गया। आपको बताना चाहेंगे कि कमलनाथ सरकार के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में इन दिनों अतिक्रमण मुहिम जोरों पर चल रही है। इसी के तहत इंदौर में भी लगातार कार्यवाही जारी है। शुक्रवार को एरोड्रम क्षेत्र के कन्यकुंज नगर स्थित भूमाफिया मनोज शुक्ला के द्वारा ताने गए अवैध निर्माण पर निगम ने कार्यवाही करते हुए उसे ध्वस्त किया। निगम अधिकारी महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि भूमाफिया ने होटल विट्ठल कामत, जो सार्वजनिक बगीचे की जमीन पर बना रखी थी, जिसे तोड़ा गया है। आज जो कार्रवाई है, ये एयरपोर्ट 60 फीट रोड के ऊपर एरोड्रम थाना के अंतर्गत जो अम्बिकापुरी एक्सटेंशन है, इसके सामने कामजीत नगर पे मनोज शुक्ला नामक व्यक्ति जो है, इसने गार्डन के पास में लगभग 6000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की भूमि के ऊपर कब्जा करके अवैध निर्माण कर लिया था, जिसमें इसने G+1 एक कॉम्प्लेक्स खड़ा किया था बहुत बड़ा, और उसके अंदर उसने होटल के ही चल रहा था, एक रेस्टोरेंट चल रहा था और व्यापारिक दूसरे भी वहाँ पे अपने गतिविधियाँ चल रही थी। उसको हम लोग हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें एक परेशानी बहुत बड़ी ये आ रही है कि जिस वक्त इन्होंने बनाया था, उस वक्त HT मात्र इनसे 4 फीट दूर है। आप देखेंगे वो HT छत से करीब 2 या 3 फीट दूर से निकली है, जो कि बहुत खतरनाक है। LT हम लोगों ने बंद करा दी है। HT बंद कराने में चूँकि MPP के बड़े अधिकारियों से आदेश होते हैं, वो भी बंद हो गई है, और 2 पोकलैंड JCB के साथ हम लोगों ने यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी। साथ में कुछ आगे की जमीन पे भी आप देखेंगे कि इन्होंने दीवार खड़ी करके उसको भी कब्जे में कर लिया था, या जो दीवार भी हम लोगों ने हटा दी है, और कार्रवाई हमारी जारी है। मनोज शुक्ला अभी भी इस क्षेत्र में कितने घूम आते हैं, जिसके ऊपर कार्रवाई? जी हाँ, कार्रवाई शुरू हुई है। जो ये अपना एरोड्रम थाना क्षेत्र है, उसके अंतर्गत और भी जो भूमाफिया इस प्रकार होंगे, जहाँ जहाँ चिन्हित होंगे और जो भी उनके अवैध निर्माण निकलेंगे, उसकी कार्रवाई होगी और कार्रवाई जारी रहेगी।